हेलो दोस्तों, थोड़ी सी कंफर्ट जोन पर बात करना चाहेंगे। यार कंफर्ट जोन पहले तो सबसे जो अभी तक मेरा लाइफ लेसन रहा है वो यही है कि जिस व्यक्ति में कंफर्ट जोन छोड़ने की हिम्मत ही नहीं है ना, वो कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता। लाइफ में ग्रोथ करने के लिए तुम्हें कंफर्ट जोन छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। एक बात और नोट की मैंने कि अक्सर लोग कंफर्ट जोन तब छोड़ते हैं जब उनकी मजबूरी हो जाती है ना, जब ऐसा लगता है कि अब तो कोई और सोल्यूशन बचा नहीं है, जब लाइफ दर्द देना शुरू करती है ना, तब लोग कंफर्ट जोन छोड़ते हैं। लेकिन वही है कि तब तक वक्त बीत चुका होता है, तब तक वो देर हो चुकी होती है। इसलिए दोस्त, चाहे बात नोफैप की हो चाहे जनरल लाइफ की हो, तुमको कम्फर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। और कम्फर्ट जोन छोड़ने के बाद ही फील होता है यार कि यस, लाइफ में कितनी स्ट्रगल है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। तभी मैं काफ़ी टाइम से जहाँ पे बस स्टैंड पे खड़ा हुआ हूँ, बस नहीं आ रही है वो टाइम से, तो फील होता है यार यस, यही होती है स्ट्रगल, यही होती है लाइफ में धक्के खाना। और इन्हीं धक्कों को खा खा के बंदे में मैच्योरिटी आती है। वो कहते हैं ना कि अकल बादाम खाने से नहीं धक्के खाने से आती है। इसलिए दो धक्के खाते रहो, आगे बढ़ते जाओ और सीखते रहो लाइफ से। अगर तुम्हें सीखने का एटीट्यूड आ गया तो देखना तुम अपने आप को कितना मैच्योर फील करोगे। धीरे धीरे तुम्हें इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी ना, तुम की लाइफ को एक पढ़ना सीख जाओगे। खैर, तो कंफर्ट जोन को छोड़ना सीखो। और जब भी हर दिन का अपने आपके पास प्लान होना चाहिए। मैं हर दिन सोचता हूँ कि आज मैं अपने आप को कैसे बिजी रखूँगा, क्या कहाँ करना है। अगर पूरे दिन में मुझे कुछ सीखने को ना भी नहीं मिले ना, सिंपल सी बात है यार, जो बंदा बिजी रख रहा है ना, कहीं ना कहीं अपने एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, तो बिजी रखने पे काफ़ी कुछ सीखने को तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा एक खुशी और होती है, कम से कम मेरा एक दिन और बढ़ जाएगा इस धरनी पर। और हम सबको पता है यार एक एक दिन कितना मायने रखते हैं इस धरनी पर। ओके भाई, ये छोटी सी बात कम्फर्ट जोन पर थी। जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर, खुश रहो और स्ट्रगल करते रहो। कम्फर्ट जोन छोड़ने की हिम्मत रखो। देखना बहुत जल्द लाइफ हैवन बन जाएगी।